दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। सोलन जिला के प्राचीन शिव मंदिर कुंदला में शनिवार को गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। पिछले 5 दिन से चल रहे अनुष्ठान के समापन पर हवन का आयोजन किया गया। मंदिर के संचालक श्री महंत सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज के भक्तों ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। वहीं उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध स्थित महंत निवास में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु नाम दान लेने पहुंचे हुए थे। महंत निवास से जानकारी के अनुसार महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज के द्वारा इस दौरान नाम दान की भी वर्षा की गई। जयकारा पौना हरि जी दा बोल साचे दरबार की जय। सारी संगत नु जय बाबा बालकनाथ जी महाराज एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, बाबा बालकनाथ जी महाराज, गुरु महाराज आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास करें और आप सभी निरोग काया हो, यही हमारी कामना है। तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, तो इस उपलक्ष्य में जितने भी भक्तजनों ने हमारे यहाँ सेवादार हैं, सेवा कर रहे हैं, लंगर की सेवा है, पूरी चने की सेवा है, अन्यत्र जिस भी तरह की पैकिंग फूड, जूस, फ्रूट इत्यादि जो भी सेवा कर रहे हैं, सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा बालकनाथ जी महाराज, गुरु महाराज आपके काम काज में बढ़ोतरी करें और आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा बालकनाथ जी महाराज। इसके अलावा गोहर उपमंडल में श्री सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से गुरु पूजा का महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान शाखा आश्रम ओयरी चैल चौक में बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर पूजनीय महात्मा अनुरक्ति बाई जी और लक्ष्मी बाई जी के कल्याणकारी सत्संग प्रवचन हुए। विष्णु मंगल कार्य अपने भक्तों को साथ मिलेगा गुरु महाराज की आज्ञा से सब समाज करता आया है और ऐसी आशा रखते माता के चरणों में जब तक इस तन में श्वास है तब तक आपके आज्ञा हम चल करके ये सेवा ऐसी करते रहे जैसे भी है मालिक, हमें खड़े करना, बस आप सपोर्ट देते रहना, शक्ति देते रहना, हम आपकी सेवा ऐसे ही लगे रहे। ऐसी हम आज गुरु पूजा दिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अभी समाज मानव सेवा दल का प्रोग्राम किया, उसमें सबकी मीटिंग ली गई। मानव का मतलब ही क्या होता है, समाज मानव और उनकी सेवा करना। तो मानव सेवा दल जो मालिक ने दल इकट्ठा किया अपना, ये समाज सेवा के लिए किया है कि किसी के पास कोई समस्या है और हम सक्षम है वो कार्य करने में, उसकी समस्या का समाधान निकालने में, तो उनकी सेवा करके सहयोग करके उसकी समस्या का समाधान निकाले। उधर गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जिला सिरमौर इकाई राजगढ़ द्वारा शिरगुल मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ प्रभारी देशराज ठाकुर ने कहा, इस यज्ञ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व में फैल रही कोरोना महामारी से लोगों को बचाना है। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी में योग सनातन संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम आज पतंजलि योगपीठ के जितने भी पदाधिकारी है, आज हम इस राजगढ़ के शिवगुण मंदिर में एकत्रित हुए हैं। हमने आज यहाँ हवन का जो आयोजन किया है, उसके पीछे हमारा लक्ष्य है, जो ये कोरोना महामारी फैल रही है, उस महामारी को समाप्त करने के लिए हमने अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना की है कि इस महामारी को समाप्त करने की हमें शक्ति प्रदान करें और जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि उसका सभी पालन करें।